अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है दोस्तों, सब ठीक और खैरियत से हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि YouTube, TikTok, Insta और Facebook के लिए वीडियो को कट कैसे किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपने ये करना है कि काइन मास्टर को ऑन करना है। काइन मास्टर पर क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, फिर रेशो सिलेक्ट करनी है। तो मैं 16.9 की रेशो पर क्लिक करता हूं। तो अब आपने करना यह है कि जिस वीडियो को कट करनी है उस वीडियो को सिलेक्ट करें। तो मैं यहां पर गेमिंग वीडियो को सिलेक्ट करता हूं। तो ये देखें, मैंने वीडियो को सिलेक्ट कर दी है। तो अभी मैं इसे कट करूँगा। जो फालतू फालतू जगह होंगे उसे मैं रिमूव कर दूँगा और जो शॉर्ट वाली जगह होगी उसे मैं कट करूँगा। तो जिस जगह पर वीडियो को कट करनी है उस जगह पर वीडियो को रोकें। तो देखें, मैं वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ। ये जो मैंने जिस जगह पर मार्क लगाया हुआ है इस पर क्लिक कर रही हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग साइड से वीडियो को रिमूव करनी है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अगर आपने एंड वाली साइड से वीडियो को रिमूव करनी है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अगर आप किसी भी पार्ट को रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। तो मैं आपके सामने वीडियो को कट करूँगा, गौर से देखें। तो मैंने शॉर्ट को कट करके थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर दिया ताकि जिस शॉर्ट को वीडियो में ऐड करने वाला हूँ वो रिमूव ना हो। तो ये देखें, स्टार्टिंग वाली साइड से जो फालतू जगह रह गई है उसे मैं पहले ऑप्शन पर क्लिक करने से रिमूव करूंगा। इस गेम की वीडियो 3 मिनट की है। अगर मैं पूरा वीडियो कट करता रहूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपने करना ये है कि इसी तरह वीडियो को कट करके एडिट करना है। तो पूरी वीडियो मैंने 5 शॉट कट कर लिए। ये जो वीडियो की लाइन में प्लस का निशान है उस पर क्लिक करना है। इसमें से जो भी इफ़ेक्ट आपको पसंद हो ऐड करें, हर प्लस के निशान में ऐड करना है। तो ये देखें, मुझे जो इफ़ेक्ट अच्छे लगते हैं मैं ऐड करता हूँ हर प्लस के निशान में। तो वीडियो बन चुकी है, अभी मैं सॉन्ग ऐड करूँगा आपके सामने। वीडियो देखते रहिए। सॉरी दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से आवाज़ नहीं आ पाएगी, मगर तरीका बताऊंगा कि कैसे सॉन्ग को ऐड करना है। आपने सबसे पहले करना यह है, मैंने जो म्यूज़िक आइकन पर मार्क लगाया उस पर क्लिक करें। म्यूज़िक आइकन पर क्लिक करने के बाद नीचे सॉन्ग पर क्लिक करें। और इसमें से जो भी सॉन्ग आपको पसंद हो उस पर क्लिक करना है। तो ये देखें, मैं एक म्यूज़िक पर क्लिक करता हूँ और ये जो प्लस का निशान है उस पर क्लिक करना है आपको। तो देखें, वीडियो बन चुकी है। अभी इसे सेव कैसे करना है ये भी बताऊंगा मैं। अब जहां मैंने मार्क लगाया उस पर क्लिक करें। और अब सेव पर क्लिक करना है। ये देखें, वीडियो सेविंग हो रही है, थोड़ा टाइम लेगी। वीडियो सेव हो चुकी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।